एक बात मैं और कह देना चाहता हूँ, मैंने अगर अपने परिवार वालों की गलत बातों का विरोध किया है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप उसका नाजायज फायदा उठाते हुए इनके साथ जो मर जाए वो करें। पूनम, आप बस चलिए यहाँ से। इस वक्त आपका गुस्से में कुछ भी कहना ठीक नहीं होगा। लेकिन भाभी, आप देख रहे हैं ये लोग कैसे? मैं देख भी रही हूँ और मैं समझ भी रही हूँ, लेकिन इस वक्त आपको अपने गुस्से पर काबू रखना होगा। और ये मैं आखिरी बार कह रहा हूँ, आगे से इस तरह की कोई बात नहीं होनी चाहिए, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। चलिए प्लीज। नीलू, तुम खुद जाकर गांव वालों को हमारे जन्माष्टमी में लेकर आओ। ठीक है भैया। चलिए। न जाने इन्हें क्या हो गया है जो ये लोग ऐसी बातें कर रहे हैं। मैं भी हैरान हूं कि भीमा जी ने और लल्लन जी ने खुद ही ऐसा करने को कहा था और गौतम जी के सामने साफ मुकर गए। आखिर ऐसा करने के पीछे मकसद क्या है उनका? अरे हमको तो हैरानी इस बात से होती है कि इतने पढ़े लिखे होने के बाद भी प्रभुनाथ जी हमको आपस में भिड़वाने वाली बात क्यों कर रहे हैं? अरे वही तो, गांव वाले तो हमारे जिगर का टुकड़ा है, अब बताइए भला हम उनका अपमान क्यों करना चाहेंगे? लेकिन लड़की वालों को तो कुछ समझ में ही नहीं आता, हमारा जेंटलमैन भतीजा जो उनको मुफ्त में मिल गया है इसलिए कोई कदर नहीं है उनको। गौतम जी, लगते आप शांत हो जाइए, बाहर बहुत शोर हो रहा है, घंटे की आवाज उन्हें नहीं सुनाई दे रही होगी। और वैसे भी तुम्हारा इस वक्त उनसे बात करना ठीक नहीं है, हो सकता है तुम गुस्से में कुछ ऐसा बोल दो जो इस वक्त बात को और बिगाड़ दे। भैया, गांव वाले काफी नाराज हो गए और यहाँ आने से मना कर रहे हैं। चलो मैं खुद जाकर उनसे माफी मांगता हूँ और उन्हें यहाँ लेकर आता हूँ। मैंने सोचा था कि भैया प्रभुनाथ जी पर चिल्लाएंगे, पर वो तो गांव वालों को खुद लेने जाना चाहते हैं। अरे बेटा, तुम वहां जाकर उन लोगों से कहोगे क्या? अरे बाबूजी, वो हमारे परिवार वाले हैं, मुझे जाकर उनसे बात करनी होगी। तो बाकी सब देखो ठीक है, नहीं जाओ। ये आप क्या कह रहे हैं, इन लोगों का पेमेंट हमें करना पड़ेगा? बिल्कुल आप ही को करना है प्रभुनाथ जी, हमारे यहाँ का दस्तूर है कि बारातियों का सारा खर्चा लड़की वाले करते हैं। पर वैसे भी हमारे जेंटलमैन भतीजा ने कह दिया है इन सबका पेमेंट आप कर दें। ललन जी, अगर इनकी पेमेंट भी सर जी को ही करनी थी तो आप हमें बता देते, ये काम तो हम खुद करते हैं। जब इतनी व्यवस्था करवाइए तो इनका इंतजाम भी मैं खुद ही करवा देता। प्रभुनाथ जी, एक बात हमको समझ में नहीं आ रहा है, ये सामियाना वाला आपके घर के हर मामला में टांग क्यों उड़ाता है? आप नहीं प्रभुनाथ जी, हम जब से आए हैं तब से देख रहे हैं कि आपने इसे जरूरत से ज्यादा सर पर चढ़ा रखा है। अगर कोई सवाल पूछना है तो आप पूछिए, आपका बेटा पूछे, ये कौन होता है सवाल जवाब पूछने वाला?
सकते हो। और वैसे आपका बेटा अभी तक नहीं आया। चार हजार इसके दो, 2000 इसे, 3000 उसको, 2000 इसको भी 2000। चलो नहीं नहीं बेटा नहीं, हम नहीं जा पाएंगे उनके पास। अब कौन सा मुंह दिखाई हम गांव वालों को। वैसे तुम्हारे बाबूजी बात तो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। हाँ माँ, लेकिन बेटा लड़की वालों ने तो हमारी नाक कटाने में कोई कसर ही नहीं छोड़ी। अब हमें डर इस बात का लग रहा है कहीं वो लोग हमारी बात मानने से मना कर दिए तो। आप परेशान मत होइए, मैं खुद जाकर उनसे रिक्वेस्ट करूंगा। अरे चाचा 500 मुंह मत लटकाओ तुम लोग। हमने प्रभुनाथ जी को ज्यादा हिसाब बना करके दिया था कि मेरा भी हिसाब को मिल सके। मिला ना, निकल। अब आप देखते जाइए प्रभुनाथ जी कि आगे आगे होता क्या है। बिना लेन देन का शादी आपको लेन देन के शादी से ज्यादा महंगा पड़ने वाला है। बेटा गौतम, तुम अभी गुस्से में हो, पहले अपने दिमाग को अच्छी तरह से शांत कर लो फिर जाना वहां। अरे वो लोग तो पहले से ही चिड़े हुए बैठे हैं और तुम्हें गुस्से में देखेंगे ना तो ना जाने क्या सोच बैठेंगे। एक और बात बेटा, अगर वो नाराजगी से तुम्हें कुछ कह दे तो शांत मन से सुन लेना। अब तुम तो जानते हो ना बेटा कि प्रभुनाथ जी ने उनके साथ क्या किया है। अब उन लोगों का थोड़ा नाराज होना तो बनता है ना। बाबू जी आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, मेरा गुस्सा अपने गाँव वालों पर नहीं है, मैं जाकर उन्हें समझा लूंगा। अरे आप भी कैसी बातें करते हैं, हमारा गौतम बहुत ही समझदार है, सब कुछ संभाल लेगा। चलिए चलो बेटा, चलो चल बेटा। अरे का हे हे भाई हटो यार, हे अरे आने दो यार, यहाँ भी पा। अरे भाई एक कैसे मर रहे। राम राम राम। अरे इतना बखत हो गया आए हुए और लड़की वालों की तरफ से कोई एक गिलास पानी पिलाने नहीं आया, ये है जन्माष्टमी। सच कहूं चाचा, जिंदगी में पहली बार ऐसी बारात में आए हैं हम। अरे जहां बारातियों को भेड़ बकरियों की तरह टूस दिया है। भीमा भैया तो बड़ा बड़ाई कर रहे थे अपने समझियाने की, पर यहाँ तो माहौल बिल्कुल उल्टा है। हे भगवान ये सब क्या है, अरे यहाँ तो जानवर भी नहीं रह सकता। अरे राम राम राम, ये बारातियों के ठहरने का जन्मासा है कि घोड़े का अस्तबल। ऐसे बुरे इंतजाम की तो हमने कल्पना भी नहीं की थी। और नहीं तो क्या, ये दीवारों पे लाल पीली लाइट लगा के सजावट कर दी है, लेकिन बैठने तक को कुर्सी नहीं है और पीने तक को एक बूंद पानी नहीं है। जी मैंने तो जनवासे में बहुत बढ़िया इंतजाम किया था, ये सब पता नहीं कैसे हो गया। छोटे भैया थोड़ी देर पहले मैं यहाँ से गया था, सब लोग खा पी के मस्त है। इसी इंतजाम की टुकटुकी पीट रहे थे तुम। हम गांव वालों को तुमने जानवर समझ रखा है। लल्लन जी हमारा इंतजाम एकदम फिटफाट था, हमें नहीं पता ये सब कैसे हो गया। चुप, बदतमीज नौकर। एक तो इतना घटिया इंतजाम किया है, उसमें से हमसे जबान लड़ाकर हमारी बेइज्जती करता है। बहुत सर चढ़ा दिया इस सामियाने वाले ने तुमको। देखिए ललन जी आप ये जो कर रहे हैं वो गलत है। चुप, एक तो इतना घटिया इंतजाम किया है, उस पर संजब बहस करता है।
मैं जी बस ललन जी, ये नौकर नहीं है, मेरे परिवार का सदस्य है। और आपको किसी ने अधिकार नहीं दिया इस पर हाथ उठाने का। लो देखिए आप लोग, एक तो चोरी, उस पर से सीना चोरी। काहे की सीना चोरी, मैंने खुद खड़े रहकर सारी व्यवस्था करवाई थी और चंद्रू अभी अभी आकर सब कुछ देख कर गया था। ए? मुझे तुम्हारी कोई बकवास नहीं सुननी है और बेहतर होगा अपनी जुबान बंद रखो। और हाँ भूलो मत, तुम यहां सिर्फ एक शामियाने वाले हो, इसे हायर किया गया है। हमारे फैमिली मैटर्स में टांग अड़ाने की कोई जरूरत नहीं तुम्हें। और हाँ एक बात और याद रखना, मेरे परिवार के बड़ों के साथ सवाल जवाब करने की औकात नहीं है तुम्हारी। और आज के बाद ध्यान रखना। ठीक है, अगर इन लोगों ने जन्मवासी का यही इंतजाम किया है तो मैं यहां बैठूंगा। ललन चाचा, आप नीलू के साथ जाकर इन सबको लेकर जाइए। आप लोग जाइए वहां बैठिए, हम अपने बेटे के साथ यहीं बैठेंगे। अरे तो हम क्या अपने गौतम को अकेले छोड़ देंगे? हम यहीं बैठेंगे। चलो 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 यहां से। पता नहीं ये सब उलट फेर कैसे हो गया। आप लोगों को जो तकलीफ हुई है उसके लिए मैं माफी चाहता हूं। सर जी आप चिंता मत कीजिए, मैं अभी सारा इंतजाम ठीक करवा देता हूं। चलो चंद्रू महाराज चलो। अरे हम भी जाते हैं जनवासे में, काम वाले का इंतजाम देख रहे। अरे इस तरह मुंह लटका कर बैठने की कोई जरूरत नहीं है, शादी ब्याह में तो इस तरह के झमेले होते ही रहते हैं। और हमने तो गांव में ऐसी शादियां भी देखी है जिसमें लाठियां और बंदूकें चल गई बराती और लड़की वालों के बीच, और फिर भी शादी तय मुहूर्त पर ही हुई। जी पूनम लीजिए, आपके भैया आपसे बात करना चाहते हैं। भाभी भैया नहीं आ रहे हैं ना, हमें भैया से बात नहीं करनी। से अपनी बेटी के लिए जीवन साथी चुनने में कोई गलती तो नहीं हो गई ना? कहीं हम पूनम को गलत हाथों में तो नहीं सौंप रहे ना? सर जी मुझे माफ कर दीजिए। सर जी मेरी वजह से
लेकिन आप मेरा यकीन मानिए, मैंने खुद खड़े रहकर सारी व्यवस्था करवाई थी। पता नहीं ये सब कैसे। प्रकाश जी, आपको सफाई देने की जरूरत नहीं है, आपने तो हमें पहले ही सारा इंतजाम दिखा दिया था। हमें लगता है कि जानबूझ के ये सब किया जा रहा है। उन लोगों ने खुद सारे इंतजाम को तहस नहस करके गौतम जी के सामने हमें गलत ठहराया जा रहा है। और हमें ये बात समझ में नहीं आ रही कि ये सब करने के पीछे उनका मकसद क्या हो सकता है। मत बनो, आराम करने दो। चलो तकिया कहाँ है? अरे तकिया देखो, अरे देखो भगवती चाचा क्या क्या लिए हुए। अरे मोरी मैया, भगवती चाचा पहाड़ पर चढ़ के बैठिएगा। अरे ओ बसेरा भैया, ओ अरे कुल्ला क्यों कर रहे हो, एक कोल्ड ड्रिंक है, पियो इसे मजा लो। अरे नीलू बढ़िया है, ये आए थे बिहार में पर होली खेल कर जाएंगे। मजाक मत कर, कालीचरण कालीचरण आओ। अरे आ रहे भैया, क्या कर रहे हो? अरे कहां देख, बहुत मजा आते नीलू भैया, बहुत। अच्छा जल्दी आओ। अरे आते भैया का ही तो देखो, ये 50 रसगुल्ला है, जो सबसे ज्यादा खाएगा उसको 50 रुपया इनाम। ये बात बोलो बोले भैया, पर रुपया देगा कौन? जो हारेगा। तो चलो शुरुआत करते हैं। शुरू करो, हटो आराम करने दो। ओ चाचा, मजेदार तो आइए है, ये हमको भी पता है। खाने के चक्कर में ये मत भूल जाना कि हमको यहाँ तमाशा खड़ा करना है। नंदन भैया की बात याद है कि नहीं? वो सब तो याद है, और ये जो पनीर जैसी चीज खाने के बाद ललन भैया की बात याद करने का मन नहीं करता। मन नहीं करता? तो कुछ नहीं होगा, हमको करना पड़ेगा। कर रहे हो? अरे इतना बेकार आइटम है कौन खाएगा, पूरा जल भून कर राख पड़ा है। रुकिए, पहले हम खाके से ट्राई करेंगे। कितना गंदा स्वाद है इसका। अरे शहर भर का सारा घटिया पनीर इकट्ठा करके हम बरातियों के लिए पका दिया क्या तुमने? अरे फूड पॉइजनिंग, अरे फूड पॉइजनिंग रे। आप शांत हो जाइए, अगर ये पनीर अच्छा नहीं है तो मैं दूसरा मंगवा देता हूँ। अरे तो मंगवाओ ना, करे क्यों? अरे राम, छोटे भैया, छोटे भाई आप खुद टेस्ट करके देखिए, एकदम टकाटक है। हाँ गलत है छोटे भाई, घटिया पंथी पे उतरा है ये सब।
रघुनाथ जी जैसे अच्छे इंसान के नाक में दम कर रखा है इन लोगों। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।